अगर आपकी गाड़ी की पावर विंडो सही से काम नहीं कर रही, तो ये जो मेन पावर कंट्रोल बोर्ड है जो आप सामने देख रहे हैं, इसको निकाल लें। इसके ये स्क्रूज जो कि आप नज़र आ रहे हैं सामने, इनको आप ये पहले ये स्क्रूज खोलेंगे। इन स्क्रूज को खोलने के बाद ये पैनल आराम से बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हटाने के बाद ये आपको मज़ीद कुछ चार स्क्रूज हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको आपने मज़ीद खोलना है। अच्छा, ये स्क्रूज खोलने के बाद आपने इसके अंदर कार्बन बहुत आ चुकी होती है, जिन्हें के आपने इन कॉन्टैक्ट्स को आपने कार्बन हटानी है। ये स्क्रूज आपने हटा लेने हैं और ये आप साइड से देख रहे हैं, और कुछ नहीं होता। आपने इसी तरह इसको स्ट्रेट रखना है ताकि कोई चीज़ हिले ना। ये स्क्रूज आपने हटा लिए जिनको पॉइंट कर रहा हूँ। अब ये आराम से आप इसको दोनों हाथों की मदद से भी आप इसको हटा सकते हैं। अभी नीचे इसके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। इस साइड पे कुछ खास नहीं होता, सिर्फ जम्पर्स होते हैं और स्प्रिंग्स, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ होती है जो कि कॉन्टैक्ट्स आप देख रहे हैं। इसके अंदर कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि जिन पे कार्बन आ जाती है। ऐसी पतली टाइप की जो है, ये कई सारे जम्पर्स होते हैं जो कि कार्बन से क्लॉग होते हैं। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि कई मैं रिमूव कर चुका हूँ। ये डोर ओपन क्लोज का है, दूसरा डोर पावर विंडो का कंट्रोल बटन है। इसके अलावा ये ड्राइवर साइड के जो हैं स्विचेज हैं, ये पैसेंजर साइड के जो हैं पत्रियां हैं, ये ड्राइवर साइड के ओपन और क्लोज का जो है ये पत्रियां हैं, और ये रियर साइड की राइट और लेफ्ट साइड की पत्रियां हैं। इन तमाम को हटा के वन बाय वन आपने इनके ऊपर से कार्बन रिमूव करनी है, और ये पत्रियां वैसे की वैसे आपने रख देनी है। इन तमाम को वन बाय वन ये करना है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ कुछ स्प्रिंग्स भी होते हैं, लेकिन आप सबसे पहले तो आप ये करें, ये चलें ये स्प्रिंग्स अपनी जगह लगे रहने दें जो कि आपने यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये स्प्रिंग्स हट जाएँ तो आपसे सही फिटिंग नहीं बैठेगी। इन तमाम कॉन्टैक्ट्स को जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपने वन बाय वन बड़े आराम से आपने कॉन्टैक्ट आपने रिमूव करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जंपर स्प्रिंग्स होंगे जो कि प्रेस होने चाहिए। अगर ये टूटे हुए हैं तो ये बटन आपके ख़राब हो चुके हैं, ये नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जंपर स्प्रिंग भी इंटैक्ट होने चाहिए जो कि आप देख रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये जंपर स्प्रिंग प्रेस हो रहे हैं दोनों साइड से, और ये बटन यहाँ से सही है। इसके अलावा यहाँ कोई चीज़ क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपने बस वन बाय वन तमाम जंपर्स को प्रेस कर करके देखना है ये सही वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आपने जो है इसी पर ज़्यादा यहीं पर कंसंट्रेट करना है। कॉन्टैक्ट क्लीनर, रेगमाल या सैंड पेपर या किसी भी चीज़ की मदद से आपने अच्छी तरह यहाँ का कार्बन रिमूव करना है, और उसके बाद इसको वापस उसी तरह आपने ऊपर बिठा देना है इसको स्ट्रेट अवे। आपको अगर मज़ीद इसको आपके आराम से बैठ जाना चाहिए, और इसको लगाते वक्त कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ज़रा सा आगे पीछे हो तो ये आपके जंपर सही नहीं बैठेंगे। ये आपको मज़ीद डिटेल है, आप यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स को आपने क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद जब आप इसको जो है वापस रखेंगे तो आपने ये ख्याल रखना है कि जंपर इसी तरह रखें। अगर आप इसको पलट के आगे पीछे करने से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको उल्टा रख दिया तो आपसे बटन सही प्रेस नहीं होंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। इनको तमाम जंपर्स को इसी स्टाइल में इसी तरह आपने ऊपर प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस नहीं करना जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपने सही से रख दिया तमाम जंपर्स को, और फिर आपने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने वो स्क्रूज सारे वापस अपनी जगह पर उसी तरह लगाने हैं, कंट्रोल बटन भी अपनी जगह रखना है, और ये मेन ये अपनी जगह रख देना है। इसके बाद आपने तमाम बटन्स को वन बाय वन प्रेस करके देखना है ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई बटन सही वर्क नहीं कर रहा तो इट मीन्स के आपका जो है सही फिटिंग नहीं बैठी, और आपको इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये कोई पतली इसमें मिसिंग है या सही काम नहीं कर रही। अगर इसके बाद आपने इसको वापस फिट कर देना है और रख देना है। इसके बाद आपने पैसेंजर साइड के भी स्विचेस को सही करना है। स्विचेस को निकाल के आपने यहाँ पर देख रहे हैं, आप इनको इन साइड से आपने खोल लेना है। अब इस तरह स्क्रू ड्राइवर से आप इसको जो है अंदर से प्रेस करके यूँ बाहर निकाल सकते हैं इनके क्लिपों से, और ये स्क्रू निकल आएगा। इनके अंदर भी ऐसी ही पत्रियाँ होती हैं, और आपने इनको इनके भी कॉन्टैक्ट से कार्बन आपने रिमूव करना है, और कार्बन रिमूव करने के बाद आपने इसके अंदर जो है ये इसी तरह के पत्रियां और इसी तरह रखनी है आपने, और इनके भी आपने यहाँ तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जिस तरह मैंने इसके अंदर से भी कार्बन मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, जैसे मैं पिछले कंट्रोल मेन कंट्रोल बॉक्स से किया था, और यहाँ इसको वैसे ही आपने इसी तरह पत्री रखनी है। लेकिन प्लेस करने से पहले आपने देखना है कि स्विच का से जंपर स्प्रिंग से ही काम कर रहे हैं या नहीं।
अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक साइड का जंपर स्प्रिंग मिसिंग है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, वाइट कलर का एक छोटा सा जंपर है, एक साइड पे तो है जबकि दूसरी साइड से टूट गया है या मिसिंग है, यानी कि ये बटन अब बेकार हो चुका है और इसके लिए मुझे ये बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास के लिए जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 तारों में से 2 तारें मोटर की तरफ जाती हैं, जो कि 3 और 5 है, जबकि 2 नंबर पिन पे जो है ना, वो इग्निशन का करंट आ रहा है, और 2 और जो 4 नंबर पिन हैं वो बुनियादी तौर पे मेन कंट्रोल पैनल से आ रही होती हैं। और हमने करना ये है कि ये 2 और 4 नंबर पिन को जो है वो डायरेक्ट कर देना है। कुछ मोटर्स में ये अलग तरह से भी हो सकता है, लेकिन आपने मेनली करना ये है कि आपने जो 5 नंबर और 1 नंबर जो तार जो कि मोटर की तरफ जा रही है उसको हटा देना है, और डायरेक्टली आपने जो मेन कंट्रोल से वायर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर जो है 2 नंबर और जो 4 नंबर है, इसको मोटर की तरफ राउट कर देना है। यानी कि अब आपका स्विच का कनेक्शन कट गया और डायरेक्टली मेन कंट्रोल बोर्ड से, जिसको कि हमने पहले साफ़ किया था, उससे ही आपकी पावर विंडो कंट्रोल होगी। यहाँ पर आप देखते चलेंगे, बाय डिफॉल्ट जो है इसमें दोनों तारों में नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो किसी एक तार में पॉजिटिव करंट आ जाता है। पोलैरिटी को रिवर्स करने से जो है विंडो जो है वो नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है, और अगर हम दूसरी तरफ पलट के जब करंट दिया जाता है तो आपकी जो मोटर है वो ऊपर जानी शुरू हो जाती है। तार लगाते वक्त अगर आप ये फील करें कि आपकी विंडो जो है वो प्रेस होने पे बजाय नीचे जाने के ऊपर जा रही है, तो तारों को पलट के लगा दें, वो सही जाना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपकी जो पावर विंडो की मोटर जो है, ये पोलैरिटी रिवर्स करने पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इस तरह से आप इसको लगाएंगे तो ये आपका मसला पावर विंडो का सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है, आप ये भी कर सकते हैं कि पावर विंडो की जो चैनल है उसके अंदर WD-40 लगा दें, और ताकि थोड़ी सी ग्रीसिंग कर दें ताकि वो मोटर सॉफ्ट चलें। अगर इन तमाम के अलावा भी मसला हल ना हो तो फिर आपकी मोटर ख़राब हो सकती है, जिसको कि आप अलग से पावर देके चेक कर सकते हैं कि मोटर सही चल रही है या नहीं। अगर मोटर सही नहीं चल रही, जो कि मोस्टली होता नहीं है, अगर मोटर सही नहीं चल रही तो फिर आपको मोटर ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। थैंक यू।